दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पीट्रोन के एक न्यू प्रोडक्ट जो कि एक TWS है, पीट्रोन बेसबर्ड जॉय। ये दोस्तों रिसेंटली लॉन्च हुआ और मुझे इसको यूज़ करते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, अच्छे से यूज़ कर चुका हूँ, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। इसका फुल एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको शेयर करूंगा ताकि डिसाइड करने में आपको हेल्प हो जाए कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों देर ना करते चलिए सिग्नेच करते हैं। दोस्तों इसकी रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी, कम्फर्ट से और लुक से। लुक की दोस्तों बात करूँ, मुझे लुक अच्छी लगी है, काफ़ी जो है शाइनी लुक यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, काफ़ी कॉम्पैक्ट भी आपको फील होता है और काफ़ी क्यूट लगता है। पॉकेट में आप ले जाएंगे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने भारी चीज़ पकड़ी हुई है। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो यहाँ पर है वो दोस्तों इसकी जो शाइनीनेस है उसके लिए आपको बहुत सारे स्क्रैचेस आपको जो है डाउन द रोड आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा भी आपने इसको जो है रफ यूज़ किया तो बहुत ज़बरदस्त स्क्रैच के ऊपर पड़ सकते हैं। इसके आप लुक अगर देखेंगे, ये आपको पता होगा पीट्रोन बेसबर्ड डियो एक जो TWS था सेम उसी के जैसे दोस्तों ये बनाया गया है, या मैं बोलूँगा उसी को रिलॉन्च कर दिया गया है ज़्यादा बिना किसी डिफरेंस के, तो उसी की तरह इसको मान सकते हैं। और अगर मैं हिंज की बात करूँ तो हिंज भी प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक ठाक फील होती है, बहुत ज़्यादा बुरी फील नहीं होती है, बट हाँ प्राइस को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिलहाल इसकी प्राइस आपको जो है 700 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी, बट जब ये लॉन्च हुआ था 599 भी आपको देखने को मिल रहा था, तो उसको लेके बाद में बात करेंगे कि आपको कितने में परचेज करना चाहिए। बट अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो बिल्ड मुझे ठीक लगी है, लेकिन हाँ अगर आपको इसका मार्केट में कोई केस मिल जाता है वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना आए, अदरवाइज इसके ऊपर बहुत भयंकर स्क्रैचेज आ जाएंगे 2-3 महीने के बाद ही और बहुत ज़्यादा गंदा भी दिखने लगेगा। अगर बात करूँ इसके TWS की वो आपको कैसे देखने को मिलता है, तो वो आपको काफ़ी एर्गोनॉमिक शेप देखने को मिल जाती है, तो शेप मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एक भारी चीज़ पहनी हुई है। आप इसको पहन के रनिंग करें, मूवी देखें, सॉन्ग सुने, लॉन्ग टाइम तक कुछ भी करें, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। IPX4 की रेटिंग है तो स्वेट वगैरह में भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है, थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें भी दोस्तों ये सह जाएगा, तो आप इसको पहन के आराम से ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो मुझे काफ़ी हल्का फील हुआ है, वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों इसके केस के जैसी है, शाइनी है, बट फिर भी केस को ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करो दोस्तों कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर आपको जो है ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर IWP का फीचर नहीं मिलता, यानी कि जैसे आप लिड को ओपन करेंगे ये कनेक्ट नहीं होगा, आपको मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए TWS को बाहर निकालना पड़ेगा तभी जाके दोस्तों कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर IWP का फीचर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट फिर भी प्राइस भी इसका कम है तो बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बताना तो बता दिया, अदरवाइज कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े टाइम में अच्छे से दोस्तों कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ बैटरी बैकअप की कि वो कैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, दोस्तों बैटरी बैकअप कंपनी जो क्लेम करती है 32 आवर्स का, जो मैं कंपनी को बोलता हूँ रहने दो तुमसे नहीं हो पाएगा, तो 32 आवर्स यहाँ पर बोल रही है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको फुल वॉल्यूम में सुनेंगे तो आपको 20 घंटे के आसपास का बैकअप इसके अंदर देखने को मिलेगा, 32 घंटों का भूल जाइए, उतना आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और ईच TWS में अगर मैं बोलूँ तो आपको 4-4.5 घंटे के आसपास का बैकअप देखने को मिलेगा, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बट फिर भी किसी भूल में मत रहिए, जो कंपनी ने क्लेम किया है आपको यहाँ पर 20 घंटे के आसपास का बैकअप देखने को मिलेगा। अगर आप फुल वॉल्यूम में दोस्तों को सुनते हो तो पूरे केस के साथ 20 से 22 घंटे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अगर चार्जिंग की बात करूँ तो अगर आप इसको टाइप सी पोर्ट से, टाइप सी है इसके अंदर, दूसरा है भी नहीं, तो अगर चार्ज करते हैं तो 1.5 घंटे के आसपास दोस्तों टाइम लेता है चार्ज होने में, चाहे वो TWS हो या इसका जो केस हो। तो बैटरी के मामले में भी आपको बता दिया जो कि ठीक ठाक लगता है प्राइस के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते प्राइस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट अगर बात करूँ गेमिंग वगैरह इसमें कैसे देखने को मिलती है, दोस्तों इसके अंदर गेमिंग मोड वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है, नॉर्मल जो गेमिंग आप करते हैं नॉर्मल TWS में वही दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए गेमिंग के लिए इसके साथ, नॉर्मल एवरेज गेमिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, हैवी गेमर या प्रो गेमर या थोड़े बहुत मोर देन एवरेज जो गेमिंग करते हैं उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, तो क्योंकि गेमिंग मोड अलग से इसके अंदर नहीं दिया गया है। TWS के अंदर जो फीचर दिए गए हैं टच एंड कंट्रोल से वो भी नॉर्मल दिए गए हैं, कॉल को जो है अटेंड करना, डिस्कनेक्ट करना, प्ले पॉज बटन करना, नेक्स्ट प्रीवियस करना, वॉइस असिस्टेंट को ओपन करना, वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ फीचर यहाँ पर नहीं है, जैसे वॉल्यूम अप डाउन का कंट्रोल यहाँ पर नहीं दिया गया है या कोई ऐप सपोर्ट वगैरह यहाँ पर नहीं है, तो वो भी आपको बात ध्यान में रखनी है कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बेसिक जो फंक्शन होते हैं TWS के वही इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि अच्छे से काम करते हैं, डिसेंट तरीके से काम करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसकी कॉलिंग क्वालिटी की, वो यहाँ पर कैसे देखने को मिलती है। कॉलिंग की दोस्तों मैं बात करूँ तो प्राइस के अकॉर्डिंग कॉलिंग मुझे इसके अंदर मोर देन एवरेज देखने को मिली है। हाँ आप इसको कॉलिंग वगैरह के लिए परचेज कर सकते हैं, ठीक ठाक कॉलिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, हल्की फुल्की नॉइज़ कैंसिलेशन भी दोस्तों एक कर देता है, हल्की फुल्की ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, तो उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है, बट हाँ फिर भी
इस प्राइस रेंज में जो अदर TWS आते हैं उसके मुकाबले इसकी कॉलिंग मुझे अच्छी लगी है, बहुत बुरी नहीं लगी है। आपके बेटर एक्सपीरियंस के लिए आपको सुना देता हूँ, इसकी जो मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया है वो आप एक बार चेक करके बताइए कि आपको इसकी माइक क्वालिटी कैसी लगी है। तो दोस्तों अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो इसी TWS के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसी से अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ। ऊपर फैन भी चल रहा है आप देख सकते हैं, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी माइक क्वालिटी किस टाइप की है और कॉलिंग के लिए आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। अब फाइनली दोस्तों बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, वो हमें कैसी देखने को मिलती है, क्योंकि आप में से बहुत लोग इसको साउंड के लिए ही जो है प्रेफर करते हैं, क्योंकि 13 mm के ड्राइवर जो कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि इसके अंदर दिए गए हैं। दोस्तों मैं बोलूँगा 13 mm के ड्राइवर यहाँ पर डेफिनेटली प्रेजेंट हैं, लेकिन इसको ऑप्टिमाइज बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं किया है। बेस पर ड्यूओ जो था वो इससे थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज था सॉन्ग के मामले में, साउंड क्वालिटी के मामले में। इसमें आप जो है सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ी 80% 70% वॉल्यूम में सुनेंगे तो सॉन्ग आपको अच्छा सुनाई देगा, आपको बेस भी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 100% जाते हैं, मोर देन 80% जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। बेस भी जो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, मज़े वाली बात नहीं रहती है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा मोबाइल के इक्विलाइजर में जाके थोड़ा बहुत वहाँ पर सेटिंग वगैरह करें तब आप इसको थोड़ा सा जो है मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक ठाक साउंड आपको देखने को मिलता है। प्राइस के अकॉर्डिंग डेफिनेटली जस्टिफाई करता है, तो उसमें ज़्यादा कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस आपको देखना पड़ेगा कि फिलहाल ये 700 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से साउंड डिसेंट है, ठीक है, आपको काम आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस TWS की मैं एक कमी के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा जो मैंने कॉलिंग में और साउंड में दोनों में दोस्तों फेस की है, वो है कि इसका जो राइट वाला ईयरबड है ना उसमें मुझे थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा वॉल्यूम फील होते हैं, लाउडनेस थोड़ी सी हल्की सी स्लाइटली फील होती है, जो आपको समझ भी आती है जब आप दोनों TWS लगाएंगे, आपको स्लाइटली लगेगा कि हाँ राइट वाला थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा लाउड है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिसकम्फर्ट मुझे पर्सनली फील हुआ। आगे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि आपको फील होता है नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको बोल दिया। और इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया था, तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि एक यूट्यूबर ने इस जो है चीज़ को बताया वहाँ पर कि उसको भी थोड़ा सा ऐसा फील हुआ है कि राइट वाले ईयरबड में थोड़ी सी वॉल्यूम हल्की सी ज़्यादा उसको फील हुई है, चाहे वो कॉलिंग हो या साउंड हो, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसको परचेज करने से पहले। तो ये मैंने बात कर ली इसके रिव्यू की, अब मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की। जैसे मैंने आपको बोला 700 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, क्या आपको इस प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों ये बाय करना चाहिए? दोस्तों देखिए, अगर ये आपको 700 या 650 या 600 के आसपास डिस्काउंट में देखने को मिल जाता है तो आपको इसको बाय कर लेना चाहिए। आप कर सकते हैं, एक ट्राई इसको दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बेस पर डियो भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको डियो का मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके उसका आप एक बार रिव्यू चेक कर सकते हैं। अगर मुझे फ्यूचर में हुआ तो मैं कुछ दिन बाद आपको डियो के साथ इसका फुल कंपेरिजन मैं आपको दिखा दूंगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है और क्या नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ 700 रुपये के हिसाब से ठीक ठाक प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही, अगर आपको थोड़ा साउंड जिसमें लाउडनेस आपको ठीक ठाक चाहिए, या आपको जो है बेस थोड़ा ठीक ठाक चाहिए, कॉलिंग आपको ठीक ठाक चाहिए, कॉम्पैक्ट साइज चाहिए, अगर आपको शाइन केस से दिक्कत नहीं है तो आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं, एक चांस आप इसको ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपको इसको बाय करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको अमेजन से परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल रिव्यू वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। सो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।